माता रानी के चरणों में भेंट थी और इसी के साथ अब
चलते हुए संदीप भैया की ओर, इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी धुन दे भेजा हमारे लिए कि मिश्रा जी भाई आपके लिए एक धुन दे रहे हैं, इन सुनिएगा। गीत क्या दिया आया सामने से, गीत क्या आया, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के। और ये इसी के साथ हमारे परम आदरणीय बड़े भैया आगे रिंकू तिवारी भाई साहब, जिनकी ओर से ये कई सिंह का महान महान पुरस्कार प्रदान किया गया, माता रानी सदैव अंग संग रहे, भोलेनाथ भंडार भरे। और आगे की बातों पर गौर करिएगा, गीत क्या चल रही है, बढ़िया सी धुन दिया आपने, लेकिन सुनिएगा मेरी ओर से कहना है श्रीमान जी, गौर करिए। चीर डालो समझने योग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ऐसा कि जो हमारे महान राइटर और कीर्तन सम्राट के नाम से जाने जाते हैं बीस करवा गांव में, बहुत दूरी पे बैठे हैं, लगता उन्हें इस कलाकारी से लगाव नहीं, लेकिन ऐसी सोच उनके अंदर होना नहीं चाहिए। नाम बताने में मुझे शर्म महसूस हो रही है। चीर डालो किया फाड़ डालो जरा हमसे तुम आज बताओ, अरे चीर डालो नीचे तुम्हारी। संदीप जी को नहीं कह रहे हैं, संदीप जी को मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिएगा संदीप जी। अरे चीर डालो नीचे तुम्हारी जरा बाहर तो तस्वीर डालू दिया फाड़ डालू।
श्रीमान जी का बहुत बढ़िया धुन भेजा था इन्होंने, लेकिन अब श्रीमान जी के लिए एक धुन मैं दे रहा हूँ, सुनिएगा। कहना है और धुन के साथ साथ आपको ये भी याद दिला रहा हूँ कि आपने जो गीत पढ़ा है, द्वारिका नाथ पीछे को पछताओगे तन जो मेरा सभा में उभर जाएगा, और प्रण दुर्योधन की पूरी हो जाएगी, दिन ब दिन नीचे पांडव का सर जाएगा। अरे भगवान कन्हैया की कुछ और लीलाएं कहते श्रीमान जी, डायरेक्ट महाभारत पहुंच गए, डायरेक्ट। मानो मैंने की जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले की लीलाएं बहुत सी पड़ी है श्रीमान जी। एक धुन जी गौर करिएगा, धुन तो मैं पूरी नहीं बोल पाऊंगा कि धुन ही ऐसी है, थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ। बचपना है और एक दिन मैया से कहने लगे, मैयारी माँ बोली क्या हुआ लला, बोली आज मुझे कुछ अजीब चीज चाहिए मैया। मैया ने सीधे स्वभाव में कहा, लाला क्या चाहिए तुझे। भगवान कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे, माँ मुझे आज चंदा खिलौना चाहिए, मुझे आज चंदा खिलौना चाहिए। सुनिएगा ध्यान दे, अरे मैं गोद नया विशेषता मिलेगी आपको, मेरी मानो मानो माँ मंगा दो मुझे चंदा, माँ जी मुझे
हमको आज उसी चाहिए, चंदा मामा खिलौना चाहिए। निवासी ग्राम कनवा, इसी गांव के निवासी हैं, उनके दरबारों द्वारा 11 रुपए का महान महान पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीमान बड़े भैया जी से सदैव आशीर्वाद चाहूंगा, आगे बातों पर गौर करिएगा, क्या बात चल रही है। और ये 11 रुपए का महान महान पुरस्कार हमारे परम आदरणीय आशुतोष भैया गुप्ता जी के दरबारों द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया। और श्रीमान भैया जी से सदैव आशीर्वाद चाहूंगा, आगे की बातों पर गौर करिएगा, क्या बात चल रही है, ध्यान दीजिएगा। और श्रीमान जी नई शहर से चल के आए हैं, श्रीमान जी नई शहर से चल के आए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर जाते जाते आते आते मतलब प्रहार कर दिया कि मिश्रा जी संभल जाइए, हम तुम्हारे ऊपर वार कर रहे हैं। बढ़िया प्रहार किया, मेरी ओर से कहना है शुक्ला जी जो है आजकल महामारी फैली हुई है, थोड़ा सा दो शब्द बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, महामारी फैली हुई है, सरकार बहुत हिसाब किताब से मदद भी कर रही है, बहुत मेहनत में जुटे हैं हमारे कर्मचारी लोग भी जुटे हुए हैं। और प्रधान जी गौर करिएगा मेरा राइटर क्या लिख रहा है इस कोरोना के विषय में, जो आज ये महामारी फैली हुई है, श्रीमान साथी कलाकार गौर करिएगा विशेष करके, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मेरी जो ये दिली इच्छा जरूर कह रही है कि आप लोगों को गीत पसंद आएगा। अरे झंझटो बना कोरोना कतनियों के री सगाई बा, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया मार्च अप्रैल और मई जून में मेरा शुभ लगन निकली है भाई, एक शादी होगी इस मौसम में, लेकिन कोरोना ऐसा कह रहा दिया कि उनके लिए मुसीबत बन गई है। उन लोगों से पूछिए, कुछ लोगों को बिचारे खैर निपटा दिए जैसे तैसे, लेकिन बहुत लोगों ने टाल दिया है, और सभी ने लिख डाला इसमें गीत सुनिएगा। अरे झंझट बना कोरोना कतनों तेरी सगाई मां, शादी पड़ी खताई माना, झंझट बना कोरोना कतनों तेरी सगाई मां, शादी पड़ी खताई। I'm
मार दिया यार। मन में सोचने लगे बेचारे कि सोचे गलती हो गए पंडित की बिचराई माँ शादी करी खबराई।